How are you? Fine. I am also fine. I am Jigna Mehta from Akshar School. Today we will learn Hindi subject. Okay? Hindi में पहले हम इस जो भी letter हो गए वो revise करेंगे. Okay? चलो, which letter is this? A से अनार, A से अनार, आ से आम, आ से आम, ई से इमली, ई से इमली, बड़ा ई से इक, बड़ा ई से इक. ओके, चलो, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊट, बड़ा ऊ से ऊट, रू से रूशी. अभी हमने रू नहीं किया है क्योंकि थोड़ा हार्ड है, आपको आ ही जाता है लेकिन बाद में करवाऊंगी. ओके, रू से रूशी, रू से रूशी, ए से एक तारा, ए से एक तारा, ए से ऐनक, ए से ऐनक. आज हम करेंगे ओ से ओखली. क्या करना है? ओ से ओखली और ओ से औरत. क्या करेंगे? ओ से औरत. पहले हम करेंगे ओ से ओखली. तो क्या करना है? पहले फर्स्ट आपको डेट लिखनी है, यानी दिनांक, तारीख लिखनी है. विच डेट? टुडे, 25. आपको 2 भी लिखना आता है, 5 भी लिखना आता है, तो अपने आप लिखना है 25. मंथ 8 और ईयर 2020. अभी ये मम्मी लिख के देगी आपको, TUESDAY, ट्यूसडे. कौन सा डे है आज? ट्यूसडे. दोनों पेज में आपको डेट लिख लेनी. ओके, चलो अभी हम करेंगे ओ से ओखली. ओ से ओखली में पहले आप करोगे ट्रेसिंग. बोलते बोलते आपको बोलना है, लिखना है ओ से ओखली. आपने अ कर लिया है, आपको पता है ना, याद है ना, अ से अनार किया था, आ से आम किया था, तो इतना ही पहले आ करो. आ से आम किया, ये वाला ऊपर, ये आ से आम हो गया. ऊपर एक ऐसी स्लांट लाइन बना दोगे तो क्या हो गया हमारा? ओ से ओखली. ये पहले हमने किया आ, उसको ऊपर ज्वाइन किया और ऊपर स्लांट लाइन बना दी, तो ये हो गया ओ से ओखली. क्या हो गया हमारा? ओ से ओखली. यहाँ ओनली ज्वाइन करना है. ये हो गई एक्टिविटी. बाद में आप करोगे ट्रेसिंग, करोगे तो भी आपको आता है, फटाफट आप लिखोगे ओ से ओखली. पर क्या स्पीक करते पढ़ते, यहाँ ऊपर स्लांट लाइन करोगे तो क्या हो गया हमारा? ओ से ओखली. देखो, पहले ये किया हमने ओ, तो पास में हम करेंगे स्टैंडिंग लाइन तो हो गया आ, ऊपर जोड़ते हुए और ऊपर करेंगे स्लांट लाइन तो हो गया ओ. ओ से ओखली, ओ से ओखली. समझ में आया? ये हो गया अ से अनार, पास में लाइनिंग स्टैंडिंग लाइन करोगे आ से आम, ऊपर ऐसे स्लांट लाइन इतना कर दोगे तो क्या हो गया ये हमारा? ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली. अभी आपको क्या बोलना है? ओ से ओखली. ओके, वैसे ही आपको पूरा एक पेज ये ट्रेसिंग पहले करना है, बाद में यहाँ आपको अपने आप लिखना है. ट्रेसिंग वाला आपको समझ में आ गया कैसे करना है? अभी कैसे करना है आपको? देखो, ये अ बनाया मैंने, किया अ, ये हो गया मेरा अ, पास में लाइनिंग करूँगी, ये हो गया आ, ऊपर उसको जोड़ना है और ऊपर स्लांट लाइन बना दूंगी, तो ये क्या हो गया मेरा? ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली. आपको ये बोलते बोलते लिखना है ओ से ओखली. सॉरी, ये आप ऐसे करोगे तो हमारा हो गया ओ से ओखली, आपको आता है. और अभी ये भी आपको अच्छे से आ जाएगा, ओ से औरत. क्या करेंगे हम? ओ से औरत. तो देखो, आपने किया, देखो, ओ ऐसे अ किया था, बराबर अ किया था आपने, आ किया था, ये आ हो गया, ऊपर जोड़ना है. अभी ये हो गया ओ, एक लाइन करोगे और दूसरी स्लांट लाइन करोगे तो हो गया ओ. क्या हो गया? ओ, ये ओ आ उसने जोड़ना है, ऊपर दो लाइन करोगे तो हो गया ओ. क्या हो गया हमारा? ओ से औरत, ओ से औरत. ओके,
चलो अभी औरत यानी क्या होता है, लेडी। आपकी मम्मी क्या है, लेडीज है ना, तो ये औ से औरत। औरत को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेडीज। ओके, औ से औरत। आपको क्या बोलना है, औ से औरत। ऐसे आपको पूरा पेज ट्रेसिंग करते करते बोलना है। ओके, औ से औरत। और ट्रेसिंग अच्छे से ही करना है। देखो मेरा एक भी बाहर जा रहा है, मैं कितनी स्पीड में कर रही हूँ लेकिन जा रहा है नहीं। मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है इसलिए नहीं जाता है, लेकिन आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ओके, आप भी अच्छे से करोगे तो कोई भी बार आपकी गलत नहीं होगा। अच्छे से करोगे, गलत हो जाए तो आपको क्या करना है, इरेज कर देना है। ओके, मेरा भी कई कई बार गलत होता है तो आपका भी हो सकता है। अभी ये किया, अभी यहाँ कर दो, एक अपने आप लिखना है, ट्रेसिंग नहीं करना है। ये करो पहले, अ किया, ओके, आ किया, जोड़ना है ऊपर एक लाइन की तो ओ हो गया, दो लाइन की तो औ हो गया। अभी हमें करना है औ से औरत, तो दो लाइन करूँगी। ओके, औ से औरत, औ से औरत। ऐसे ही आपको पूरा ये भी लाइन कंप्लीट कर देनी अपने आप लिखते लिखते। ओके, औ से औरत। पूरे अच्छे से सिस्टमेटिक करोगे तो आपको पूरे पहले से सिस्टमेटिक ही आएगा। ओके, आप अच्छे से होमवर्क भेज रहे हो तो उसमें तो बहुत अच्छा ही करते हो। ओके, ओके बच्चा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।